इस वीडियो में मश्क नंबर 2.5 का 14वां सवाल हल करेंगे। 14 जो क्वेश्चन नंबर है आज इसे सॉल्व करेंगे। मुसलस एबीसी के ज़िले बीसी पर ए से डाले गए उमूद बीसी को डी पर इस तरह कता करता है कि डी बी इक्वल टू 3 CD। तो साबित कीजिए के 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC². तो ये इसे हमें साबित करना है। अब देखिए मुसलस है, मुसलस ABC और BC पर AD उमूद है, BC पर क्या है AD उमूद है और DB इक्वल टू 3 CD। ये सारी चीज़ें DB है। एक तो एक मुसलस दिया गया ABC, उसके अंदर AD BC पर उमूद है और DB की वैल्यू जो दी गई है वो 3 CD है। तो हमें जो साबित करना है वो 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC², इसे हमें साबित करना है। तो चलो साबित करते हैं। तो सबूत, सबसे पहले क्या करें, इन दो मुसलस को लें, एक मुसलस ADB और दूसरा ADC। हमें जो ज़रूरत है AB की और AC की। अब इस मुसलस में हमें AB मिलेगा और इस मुसलस में हमें AC मिलेगा। तो सबसे पहले इन दो मुसलस को लें। तो मुसलस ADB में, मुसलस ADB में D 90 डिग्री का है। अब देखो, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका सामने वाला जो ज़िला है वो वितर हुआ, AC या AB वितर हुआ। तो हम इस पर पाइथागोरस का मसला अप्लाई करें, तो अगर कहीं नहीं पाइथागोरस का मसला अप्लाई करेंगे तो ये AB² हुआ। AB² इक्वल टू BD² प्लस AD² तो ये इसे इक्वेशन एक मान लें। फिर दूसरा मुसलस ले ADC। मुसलस ADC में D 90 दर्जे का है। तो अब ये 90 का है, इसका सामने वाला ज़िला AC वितर हुआ, तो इसका मुरब्बा AC² इक्वल टू AD² प्लस CD² अब देखो हमें AD की ज़रूरत है, AD² की ज़रूरत है, तो हम इस इक्वेशन को AD के लिए हल करेंगे। तो वो प्लस CD² इधर लेकर आए, AC² माइनस CD² इक्वल टू AD² तो अब AD की जो वैल्यू है AC² माइनस CD² तो अब इसे इक्वेशन 2 नाम दें। अब AD की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालें, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब ये कहीं नहीं, ये पूरा हमें AD की वैल्यू इसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले इसे ले, AB² इक्वल टू BD² प्लस AD² अब AB² इक्वल टू BD² प्लस AD की वैल्यू क्या है AC² माइनस CD² अब देखो इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे, AB² इक्वल टू BD² प्लस AC² माइनस CD² अब देखो BD की, यानी BD या DB दोनों एक ही है, BD की वैल्यू कितनी 3 CD, तो 3 CD ब्रैकेट स्क्वायर प्लस AC² माइनस CD² अब 3 CD² मतलब 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, CD का स्क्वायर CD² हुआ प्लस AC² माइनस CD²
अब नाइन सी डी स्क्वायर में से एक सी डी स्क्वायर निकालेंगे तो एट सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन थ्री नाम दें। अब देखो BC क्या है, BC के अंदर CD भी है और DB भी है, तो BC इक्वल टू BD प्लस DB प्लस CD। अब DB कितना है, 3 CD है प्लस CD। अब 3 CD में एक CD ऐड करें तो 4 CD इक्वल टू BC। अब ये 4 इसके साथ तकसीम हुआ, BC डिवाइडेड 4 इक्वल टू CD। अब हमें क्या करना, CD की वैल्यू इक्वेशन 3 में डालना। पुट BC डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू CD इन इक्वेशन 3। अब इस 3 इक्वेशन को यहां ले, AB स्क्वायर इक्वल टू 8 CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब 8 इंटू ब्रैकेट CD की वैल्यू क्या आई, BC डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखो 8 इंटू BC का स्क्वायर BC स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ प्लस AC स्क्वायर। अभी 8 8 1 8 8 2 16, तो BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पर AB स्क्वायर लिखे। अब इसका LCM निकाले, निकालने के लिए इसे इसके नीचे 1 रखे, अब इसका LCM आया 2। अगर यहाँ नीचे 2 है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करें, और अगर यहाँ 1 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करें। ये BC स्क्वायर हुआ प्लस ये 2 AC स्क्वायर हुआ। अब क्या करें, इस 2 से इसे मल्टीप्लाई करें, 2 AB स्क्वायर इक्वल टू 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें इसी को प्रूफ करना था, यहाँ 2 AB स्क्वायर इक्वल टू 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये साबित होगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें।